बड़ी खबर बांडीपोरा नॉर्थ कश्मीर से आ रही है, जहां पर अभी अभी एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। कटसन बांडीपोरा के वुड्स में यानी कि जंगलात में ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दी का इतला मिली थी, जिसमें यहां पर उन्होंने जिस पर उन्होंने यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। और यहां पर अभी तक जो लोकल जराए से हमें खबरें मौसूल हुई है, दो मिलिटेंट्स के छुपने की यहां पर पूरी उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगरचे यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है और यहां पर अभी अभी बताया जाता है कि दोनों तरफेन से एक्सचेंज ऑफ फायरिंग भी हुई है, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यहां पर पिछले महीने 16 तारीख से लेकर अभी तक ये 10वां ऐसा मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट है। आपको मैं बताऊं कि 16 अक्टूबर से ये मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो यहां पर शुरू हुए थे, जब शोपियां साउथ कश्मीर में एक नॉन लोकल को मारा गया था। उसके बाद कंटिन्यूसली आज 10वां ये अटैक है। हम कहेंगे कि अटैक इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये अभी बांडीपोरा में जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अभी तक जो खबरें आ रही है वो अभी लास्ट मोमेंट तक जारी था जब हम आपको ये रिपोर्ट सुना रहे हैं। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर होटलियर्स क्लब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए बुलाई गई, क्योंकि परसों यहाँ पर लाल चौक में भी एक ग्रेनेड धमाका हुआ था जिसमें करीब करीब दर्जन से ज़ायद लोग जख्मी हुए थे, जिसमें दो लोग सर्जरी से भी गुजरे हैं। और यहाँ पर होटलियर्स क्लब का ये कहना है कि ये ज़रूरी देखने की बात है कि कौन लोग ये अटैक्स कर रहे हैं और हम उसके खिलाफ है, और कोई भी इंसान जो है वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। ये हैवानी होगा जो इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। और उससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उंगलियां उठाई गई थी, और तारिक हमीद करा जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ भी है, उन्होंने भी इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए थे कि ये देखने वाली बात है कि क्यों ये अटैक्स होते हैं और कौन इसके पीछे है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अगर कोई मिलिटेंट यहाँ पर फंसता है उनको पकड़ने की ज़रूरत है और उसे पूरी तरह पूछताछ करने की ज़रूरत है। आपको मैं थोड़ा सा ये हिस्ट्री बता दूं, 16 अक्टूबर को यहाँ पर शोपियां में जो नॉन लोकल को मारा गया था, उसके बाद 20 अक्टूबर को 7 लोगों ने अपनी जान गगनगीर में गंवाई थी जब एक बड़ा दिलदोज अटैक वहाँ पर किया गया था। उसके बाद 24 अक्टूबर को भी अटैक यहाँ पर आर्मी व्हीकल पर किया गया था। 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में अटैक किया गया जहाँ पर 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 2 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। वही 28 अक्टूबर के दिन एम्बुलेंस पर हमला होता है और अखनूर में वहां पर भी कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। तो मजामा बड़गाम में 2 नॉन लोकल्स पर गोलियां चलाई जाती है, उनको जख्मी किया जाता है। फिर 2 नवंबर के दिन 2 ऐसे बड़े हादसात यानी कि एनकाउंटर्स हमने देखे, जिसमें श्रीनगर के खानियार में 3 सालों के बाद इस तरह का एनकाउंटर हमने देखा, जिसमें एक फॉरेन मिलिटेंट को पुलिस ने मारने का दावा किया। वही अनंतनाग में भी एक लोकल और एक फॉरेन मिलिटेंट को मारने का पुलिस ने तब कहा था। और 3 नवंबर को 2 दिन पहले यहां पर लाल चौक के टीआरसी के पास एक ग्रेनेड धमाका होता है जिसमें दर्जन से ज़ायद लोग जख्मी हो जाते हैं। और आज 5 नवंबर है और 5 नवंबर के दिन ये 10वां ऐसा मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट है, और इसमें अभी बांडीपोरा से जो खबर आ रही है उसमें एनकाउंटर शुरू हुआ है। जंगलात का ये एरिया है और जंगलात के इस एरिया में बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल यहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है, अगर ये जंगलात का इलाका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्कत सिक्योरिटी फोर्सेस को करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल ये माना जाता है। और यहाँ पर अभी गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, अब देखने वाली ये बात होगी कि कब तक ये एनकाउंटर यहाँ पर चलेगा। फरदोस लाइव जानलवानी, जेके न्यूज़, श्रीनगर।